नमस्कार, मैं आपके साथ अभिषेक शांडिल। और इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर उत्तराखंड की सियासत से है कि बीजेपी कार्यालय के पोस्टर में अमित शाह का पोस्टर नहीं है, फोटो नहीं है। ये बहुत बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि अभी तक अमित शाह का नाम चलता था उत्तराखंड की सियासत में। उत्तराखंड में खासतौर से जब त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये कहा गया कि अमित शाह ने इन्हें खासतौर पर भेजा है और इन्हें मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन जब बगावत की स्थिति पैदा हुई, मुख्यमंत्री बदले गए उत्तराखंड के, उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है। और उत्तराखंड बीजेपी कार्यालय के पोस्टर में अमित शाह का पोस्टर दिखाई नहीं दे रहा है। ये पार्टी लाइन के तमाम बड़े नेता इस बात का दावा जरूर कर सकते हैं कि बीजेपी की तरफ से ये आप नहीं कह सकते किसी ने पोस्टर लगा दिया होगा, लेकिन आपको बता दें कि बीजेपी कार्यालय के मेन पोस्टर में ही अमित शाह का फोटो नहीं है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या बीजेपी के भीतर जैसे विधायकों में बगावत पैदा हुई, उसके बाद क्या बीजेपी के तमाम नेता, मुख्यमंत्री, संगठन के लोग बीजेपी में अमित शाह का फोटो नहीं चाहते हैं। ज्यादा बातचीत करेंगे, हमारे साथ सीनियर लीडर जुड़ गए हैं विनय गोयल बीजेपी की तरफ से। विनय साहब, क्या आपको लगता है कि ये पोस्टर हटा देना, आप ये मानते हैं कि निश्चित तौर पे एक बड़ी गलती है बीजेपी कार्यालय की तरफ से, संगठन के लोगों की तरफ से? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक नियम कायदे कानून से चलने वाली पार्टी है और माननीय अमित शाह जी हम सबके मार्गदर्शक और नीति निर्धारक हमारी पार्टी के हैं। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रहे हैं, वर्तमान में हमारे देश के सम्मानित गृह मंत्री हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों को आगे बढ़ाने का काम किया है जी। लेकिन हमारे पार्टी कार्यालय के जो बोर्ड हैं उस पर पार्टी अध्यक्ष और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फोटो या हमारे जो प्रभारी होते हैं प्रदेश के उनका फोटो हमेशा लगाया जाता है। इस नाते जब तक माननीय अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में काम करते रहे तो उनका फोटो वहां रहा। अब चूंकि नड्डा जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तो उनका फोटो है, तो इसमें कुछ भी अनुचित नहीं। बिल्कुल, लेकिन विनय गोयल साहब, फिर तो पश्चिम बंगाल से जो अमित शाह की फोटो लगे हैं सब पोस्टर आपको निकलवा देना चाहिए। आपको ये उत्तर प्रदेश की सियासत में जितने भी पोस्टर अमित शाह के लगे हैं सबको निकलवा देना चाहिए। आपको इसके अलावा बीजेपी उत्तराखंड में जितने भी पोस्टर लगे हैं पार्टी कार्यालय के बाहर या उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में, वो सारे पोस्टर आपको तत्काल निकलवा देना चाहिए। जो तर्क आप दे रहे हैं, अमित शाह को, अमित शाह पहले भी गृह मंत्री थे लेकिन त्रिवेंद्र सिंह रावत के जाति और तीरथ सिंह रावत के मुख्यमंत्री बनते विनय गोयल साहब अमित शाह का पोस्टर से फोटो हटा दिया गया, ये बहुत बड़ा सवाल है, आप इससे बच रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कोई नहीं है अभिषेक जी, बिल्कुल। आप, मुझे लगता है कि आप हमें गलत ट्रैक पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है तो चुनाव में जब अलग अलग लोगों को जिनकी जिम्मेवारी दी जाती है, आप चुनाव के समय उत्तराखंड रहे हैं और आपने देखा है उस समय कि अगर किसी समय चुनाव के समय किसी को प्रभारी बनाया जाता है चुनाव के लिए तो उस समय उन अधिकारियों की फोटो रहती है। जैसे हमारे कभी धर्मेंद्र प्रधान जी यहाँ प्रभारी रहे, या नड्डा जी भी हमारे प्रभारी रहे, या और भी लोग जो हमारे चुनाव के प्रभारी रहे, तो उस समय प्रभारी के नाते उनके फोटो लगाए जाते हैं। लेकिन वर्तमान में चूंकि हमारे यहाँ अभी चुनावी गतिविधियां प्रारंभ नहीं हुई है उस तरह से और हमारे लिए अभी कोई चुनाव प्रभारी के रूप में कोई घोषित नहीं हुए। बिल्कुल विनय गोयल साहब, आपकी तमाम बातें, तमाम तरह के आप पार्टी के नेता हैं, आप जरूर पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन सीधे तौर पे आप भी इस बात को जानते होंगे कि घर से विदाई कभी किसी पार्टी नेता की तभी होती है जब किसी दिल से पार्टी के नेता को निकाल दिया जाता है। और अमित शाह का सिर्फ पद बदला है, कद पार्टी में आज भी उतना ही बरकरार है। विनय गोयल साहब, आप ये बात जानते हैं कि बीजेपी का कोई नेता या संगठन का मंत्री हो या फिर सरकार में मंत्री हो, अमित शाह की फोटो अभी तक लगाता था, लगाता रहा है और नाम लेता रहा है, लेकिन अचानक उत्तराखंड की सियासत उनका नाम अलग हो जाना बहुत बड़ी बात का संकेत देता है या एक बड़ी चूक जानबूझकर की गई है? और जगह भी चेक करा सकते हैं, ऐसा नहीं। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम बातचीत करने के लिए विनय गोयल साहब। तो ये बीजेपी की तरफ से बातचीत कर रहे थे विनय गोयल साहब, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या अमित शाह की फोटो हटाना किसी बात की तरफ इशारा करता है? पहली बात ये हो सकती है, कुछ बातें आपको समझ लेनी चाहिए। त्रिवेंद्र सिंह रावत दरअसल बीजेपी में उस वक्त अमित शाह के साथ काम कर रहे थे जब उत्तर प्रदेश में चुनाव थे, और उत्तर प्रदेश चुनाव के साथ वो अमित शाह के साथ साथ थे, और यही कारण था कि जब उन्हें पद दिया गया उत्तराखंड के भीतर तो यही कहा गया कि वो उनके करीबी थे इसलिए उनको पद दिया गया। लेकिन अचानक सारी चीजें बदली, विधायकों का बगावत भी आपको देखने को मिला, उत्तराखंड की सियासत भी पलटी और एक नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आए। तीरथ सिंह रावत के आते ही अमित शाह का फोटो गायब हो जाना ये संकेत देता है कि क्या ये जो पार्टी में गुटबाजी है वो सिर्फ
उत्तराखंड सीमित नहीं है बल्कि दिल्ली तक सीमित है, क्योंकि दिल्ली से ही भेजे गए थे तीरथ सिंह रावत जो सांसद थे, लेकिन अब पोस्टर से गायब होना अमित शाह के फोटो को लेकर कई सवाल कांग्रेस भी पूछ रही है।